हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे 36 एलईडी चेसर लाइट। और ये चेसर लाइट बनाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक आर्डिनो नैनो का यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों ये चेसर लाइट बहुत इजी है बनाना, तो चलिए दोस्तों इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद एक आर्डिनो नैनो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और इसे ब्रेडबोर्ड में अच्छे से लगा देना है दोस्तों, जैसा मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। अगर आपको भी इस एलईडी चेसर को घर पे बनाना है तो इस तरह से इसका सर्किट आप भी बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं यहां पे 5 mm का डिफ्यूज़ एलईडी यूज़ करूंगा जो कि रेड कलर का है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि एलईडी के दो लेग होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस एलईडी को दोस्तों हम लोग ब्रेडबोर्ड में लगाएंगे और जैसा आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मैंने इसका नेगेटिव पॉइंट दिया है और नीचे इसका पॉजिटिव पॉइंट है। सेम इसी तरह दोस्तों हम लोग दूसरे एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसे हम लोग एक ही पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका नेगेटिव पॉइंट है उसे हम लोग नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 36 एलईडी यूज़ कर रहे हैं और 36 एलईडी को हम लोग दो दो एलईडी करके कनेक्ट करके लगाएंगे, जिससे हमारा एलईडी का 18 पॉजिटिव पॉइंट बाहर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आर्डिनो नैनो है ये छोटा है और यहाँ पे हमारा उतना कनेक्टिंग पॉइंट इसका नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे दो दो एलईडी करके कनेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हमारा 36 एलईडी जो हमारा दो दो करके कनेक्ट होगा तो यहाँ पे हमारा 18 पॉइंट निकलेगा जो हमें आर्डिनो नैनो में इजली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस एलईडी को हम लोग लगा लेते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा घंटी का निशान होगा दोस्तों, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे एलईडी को ब्रेडबोर्ड के साथ लगा दिया है और अभी मैं आर्डिनो के साथ इसका कनेक्शन करूँगा। और इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे जम्पर वायर का यूज़ करूँगा, आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इसका कनेक्शन है आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं D2 से लेकर D13 तक जितने भी पिन हैं इसे मैंने यूज़ किया है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर A0 से लेकर A5 तक जितने पिन हैं उसे मैंने यूज़ किया है। उसके बाद दोस्तों मैंने इसका ग्राउंड पिन यूज़ किया है। दोस्तों इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या फिर आपको नीचे लिंक में इसका सर्किट डायग्राम और इसका कोड आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका सर्किट डायग्राम और इसका कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम बहुत ईजी है, आप आराम से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसका हम लोग कनेक्शन पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल डिजिटल पिन और एनालॉग पिन का कनेक्शन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसका ग्राउंड पिन का कनेक्शन कंप्लीट करूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले इस तरफ का एलईडी जो है इसका ग्राउंड पिन कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद मैं दोस्तों इसका दूसरे तरफ का जो एलईडी है उसका भी ग्राउंड पिन मैं कनेक्ट करूँगा। दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत ईजी है, आप आराम से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मिडिल में एलईडी है आपको दिख सकता है, दो एलईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ बीच में, इस एलईडी का भी जो ग्राउंड पिन है मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों इस तरफ में भी दो एलईडी है, इसका भी जो ग्राउंड पिन है इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं। और दोस्तों यहां पे हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है इस बोर्ड का। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो एलईडी चेसर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है बन के। अब बस हमें इसमें इसका जो कोडिंग होता है वो कोडिंग इसमें इंस्टॉल करना है इसके बोर्ड में। तो दोस्तों इसका जो कोडिंग इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक USB केबल यूज़ करेंगे। और दोस्तों बीच में आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखा होगा, इसका सर्किट डायग्राम बहुत इजी है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग केबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसमें इसका जो कोड है वो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ कि ये एलईडी चेसर कैसे रन करता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो कोडिंग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये एलईडी चेसर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों अगर आपको और भी आर्डिनो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखना है तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे आर्डिनो से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट आपको वहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एलईडी लाइट है वो कंप्लीट रन कर रहा है और अभी मैंने पूरे रूम का लाइट बंद करके रखा है। तो देखिए दोस्तों ये अंधेरा में कितना अच्छा दिखता है। आप भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने घर के लिए, अपने स्कूल के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।